नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के ब्राउज़र में ओपन कर लेना है onlinesbi.com। यहाँ पर आपको पर्सनल बैंकिंग साइड में आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको यूज़र नेम पासवर्ड कैप्चा को फिल करने के बाद में लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद में आप ऊपर देख सकते हैं कई टैब हैं, जैसे माय अकाउंट एंड प्रोफाइल, पेमेंट ट्रांसफ़र, और जो यहाँ पे एक टैब आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है ई सर्विसेज। जब आप इस पर कर्सर लाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और मिलता है, एटीएम कार्ड सर्विसेज, इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पेज पर आपको पांच ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें सबसे लास्ट का ऑप्शन है रिक्वेस्ट एटीएम डेबिट कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड का टाइप सेलेक्ट करना है, तो चलिए डेबिट कार्ड का जो टाइप है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर जो हमें डेबिट कार्ड मिल रहा है वो मिल रहा है SBI ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, ये मास्टर कार्ड का है। जो दूसरा है वो है SBI पे पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, ये भी मास्टर कार्ड का है, लेकिन हमें चाहिए वीज़ा का डेबिट कार्ड। तो हम जो थर्ड वाला ऑप्शन है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। और जो नाम आप डेबिट कार्ड पर रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यहाँ पे जो जो सेकेंडरी अकाउंट है वो मैंने यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लिया था, उसे सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि हमारे पास में एक ही अकाउंट है जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से सेलेक्ट है। तो हम इसे अनटिक कर देंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ पर्सनल डिटेल शो करी जाएगी। अगर ये डिटेल आपकी बिल्कुल सही है तब तो आप सबमिट पर क्लिक करिए, अगर उसमें कुछ सही नहीं है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी डिटेल सही है इसलिए हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद में अब यहाँ पर आपको वैलिडेट करने के लिए दो ऑप्शन मिलना है, एक तो आप OTP का यूज़ कर सकते हैं, दूसरा आप प्रोफाइल पासवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं OTP का यूज़ करूँगा तो इसलिए हम OTP वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही OTP वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया वैसे ही हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक हमें OTP मिला है, जिसे हमें यहाँ पर फिल करना है और सबमिट बटन पर क्लिक। तो इस तरह से आप इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस डेबिट कार्ड के लिए आपको बैंक या ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है, 8-10 दिन में ये आपके घर पर ही आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।